ये इसकी स्टार्ट करने की किक है, ये स्टार्ट करने की रस्सी है इसकी, ये ऑयल फिल्टर है, ये डीजल टैंक है इसका, ये स्टार्टिंग लीवर है, ये गियर क्लच है और वो क्लच है, ब्रेक है, ठीक है। और ये गियर ऑयल पड़ता है यहाँ पर, अभी यहाँ पर इंजन ऑयल डलेगा इसमें। और ये आगे इसका स्टैंड है, ये इसके व्हील है काटने वाले जो, और इस तरह से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो में अभी देख ही लिया, इसमें बताया गया है क्या क्या पार्ट्स हैं इस मशीन के। तो इसे कहा जाता है यहाँ पे मिनी ट्रैक्टर, ये है हैंड हेल्ड ट्रैक्टर जिसे खेती के लिए करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जहाँ आज एक और बड़ी बड़ी मशीनें अनेक तरह के कार्यों के लिए उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए यह मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। जहाँ पहले सिर्फ खेती हल बैल के से ही संभव थी, आज वहाँ इस ट्रैक्टर के आने से लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। इससे उनकी टाइम और मेहनत दोनों में कमी आई है। यह मिनी ट्रैक्टर कई घंटे के काम को कुछ मिनटों में कर देता है। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में खेत बहुत ही छोटे छोटे और सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, जो कि अक्सर घर से काफ़ी दूरी पर होते हैं। मतलब अगर एक किसान का एक खेत एक जगह पर है तो दूसरा उसके साथ में नहीं बल्कि कहीं और होगा, दूसरी जगह होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, इस टाइम पे एक ही खेत की जुताई की जा रही है, एक खेत को जोता जा रहा है। इसमें इस ट्रैक्टर में इस टाइम ब्लेड्स अटैच कर रखी हैं और उसे इस खेत को जोता जा रहा है। अब जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ब्लेड्स को निकाल के उसमें टायर्स अटैच किए जाएंगे और फिर इसको अपने दूसरे खेत की ओर लेके जाया जाएगा। तो वीडियो पूरी देखिए, आपको सब समझ में आएगा। ये टायर्स हैं जो डीअटैच कर रखे थे ब्लेड्स लगाने के लिए। अब खेती पूरी करने के बाद जो एक खेत हो गया है, उसके बाद अब इसे दोबारा से अटैच कर रहे हैं मेन ट्रैक्टर में। ये देखिए, इस तरह से दोनों पहिए, दोनों व्हील्स इसके अटैच कर देंगे और फिर इसे इस जगह से किसी दूसरी जगह लेके जाएंगे। ये दूसरी साइड की ब्लेड है जिसे अब यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, इसे यहाँ से निकाल दिया है। जो भी खेत से एक्स्ट्रा वीड्स, ग्रास, जो घास थी वो लगी थी, वो हटा ली और अब यहाँ पे हम ये इसके साथ व्हील अटैच कर रहे हैं, इसका सेकंड व्हील भी। तो ये देखिए, इस तरह से ट्रैक्टर अब दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार हो गया है दोबारा। अब इसे फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टैंड हटाया, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, अब जा रहे हैं दूसरे खेत की ओर। तो इस तरह से दोबारा इसे चलाना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे खेत प्लेन नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लेवल में खेत नहीं रहते हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। ये देखिए, इसे अब दूसरे खेतों में नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ढलान थी, अब दोबारा से जो इसमें हमने ब्लेड्स निकाली थी वो हम इस आगे कैरियर स्टैंड में अटैच कर देंगे। तो ये जो फ्रंट में है, इसमें ये कैरियर स्टैंड है, इनमें हम कैरी कर सकते हैं अपनी ब्लेड्स को जो खेती के लिए यूज़ होती हैं। तो इस तरह से ये ब्लेड कैरियर में ब्लेड्स को हमने फंसा लिया, इसमें फिट कर दिए यहाँ पे, और अब ये
लेके जा सकते हैं हम अपने दूसरे किसी भी खेत पे। तो इस तरह से होती है पहाड़ों में खेती। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।